नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। सोचिए जरा, आप दाएं हाथ से काम करते हैं और आपको कहा जाए कि आपको ताउम्र इस बाएं हाथ से काम करना है, या फिर आपको ये कहें कि आप जिस पोजीशन में, जिस सिचुएशन में हैं, जब ये वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, उसी पोजिशन में आपको ताउम्र रहना है, सोचिए आपका रिएक्शन क्या होगा। ये सवाल दरअसल इसलिए कि अगर आप ट्रांसजेंडर्स को लेकर मजाक उड़ाते हैं या आपके लिए वो मजाक का जरिया है, तो उनकी दर्द भरी दास्तां क्या है वो आपके सामने लाना जरूरी है। ये बातचीत है, ये इंटरव्यू है, वो इसलिए भी जरूरी है कि बीते सप्ताह के अंदर दिल्ली, हरियाणा, इन दो जगहों पर ट्रांसजेंडर से जुड़े मामलों में अपराध हुए हैं। रोहतक के अंदर एक युवक ने सिर्फ इसलिए अपने माता, पिता, बहन, इन लोगों को गोली मार दी क्योंकि वे सेक्स चेंज सर्जरी कराने की परमिशन नहीं दे रहे थे। सोशल मिथ अलग है, हमारा देश का कानून है वो 2016 के बाद में अलग है। ऐसे में ट्रांसजेंडर्स के में जिस रूप में इस देश के अंदर उसको देखा जा रहा है, उसके अंदर झांका जाता है, उसके मायने क्या है और वो खुद क्या कुछ समझते हैं, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में खास तौर पर जुड़ी हुई है ख्वाहिश परिहार। ख्वाहिश परिहार जिनका अतीत है वो सत्यजीत सिंह में था। ख्वाहिश हमारे बीच में है। ख्वाहिश, स्वागत है आपका ईटीवी भारत पर। क्या कहिएगा, एक तो अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कर रही हैं आप इन दिनों, और फिर अतीत के बारे में बात करें। मैंने जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने अपना जेंडर 2012 में चेंज करवाया था दिल्ली से। उसके बाद मैं मुंबई आ रही थी 2011 से 12 में मैंने चेंज करवाया और मैं बहुत साल मुंबई रही। अभी कुछ 2 साल से एक्चुअली मेरी डैड कोई रीजन से एक्सपायर हो गए थे, तो उसके बाद मैं यहाँ वापस शिफ्ट हो गई। कोविड हो गया, उसके बाद आपको पता है कि सब चीज अनबैलेंस हो गया, तो मुंबई में मेरा जाना हुआ नहीं दोबारा। और 2 साल से मैं अभी जयपुर में हूँ और यहीं से थोड़ा जो काम हो रहा है यहाँ से कर रही हूँ, क्योंकि बाकी इवेंट्स का मेरा काम चल रहा है। और अब शूट लाइन में मैं थी, अभी शूट्स वगैरह अभी मुंबई में अभी इतने हाई पे नहीं है। जब मैंने आपको दो दास्तां सुनाई, एक तो दिल्ली की और रोहतक, सवाल ये होता है कि इस देश के अंदर कानून भी बन गया है 2016 में एलजीबीटी को लेकर, तो मौजूद समाज की मान्यताएं, समाज के मिथ हैं, समाज की परंपराएं हैं, वो बहुत बड़ी बाधा साबित हो रहे हैं। ऐसे में आपकी जो जर्नी है वो जनता के सामने, तमाम लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं, इसलिए आपसे मैं आपके अतीत की बात करूंगा। कैसे सत्यजीत सिंह है वो ख्वाहिश परिहार बने, सफर आपका कब शुरू हुआ और क्या उसके अंदर चुनौतियां आई? सर, सफर तो मेरा स्टार्टिंग में ही बचपन से शुरू था, जब से मैं समझदार हुई, मुझे समझ आया। स्कूल में थी जब मैं 6th क्लास में थी, तब तक मैं मेरी हरकतें वही चीजें थी, लड़कियों की तरह चलना बोलना, बट मेरी फैमिली इसको पसंद नहीं था। और मैं एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जो जोधपुर से बिलोंग करती हूँ प्रॉपर, और राजपुर फैमिली से हूँ, तो हमारी फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं था ये चीजें कि उनका बच्चा कोई ऐसे बिहेव करे या ऐसे 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 माहौल में जाए कि लोग हंसे, मजाक उड़ाए अड़ोस पड़ोस के लोग। तो ऐसे सब कुछ हो रहा था मेरे साथ में। जब तक मैं 5th 6th तक थी ना, तब तक तो ओके फाइन लगता था उनको कि सब बच्चों इस एज के में बच्चे स्कूल में पार्टिसिपेट भी लेते हैं, गर्ल्स भी बनते हैं, लड़के, सब चीज होती है। बट जैसे बड़ी होती गई ना, तो सडनली भैया के दोस्त में से दो बड़े भाई हैं, तो उनके जो दोस्त थे वो हमेशा उनको मतलब टोकते थे कि ये तेरा भाई लड़की तो चलता है, उठता है, बैठता है, तो उनको इंसल्ट फील होती थी चार दोस्तों में बैठ के। तो घर पे आके रोज मुझे बोलते तू ऐसे क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों। तो मैंने कहा मेरे को शौक नहीं है, बट आई फील एज अ गर्ल इन इनसाइड, तो मेरे को कोई शौक नहीं। फिर घर वाले भी मुझसे नाराज होने लग गए थे, बोला कि अब बड़े हो रहे हो, उस चीज छोड़ो, अच्छा नहीं लगता समाज में क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। पर मेरे दिमाग में बस एक ही चीज था कि मुझे, मैं लड़की हूँ, फिजिकली मुझे ऊपर वाले ने नहीं बनाया, बट मेरी जो अंदर से जो मेरी आत्मा थी, वो मेरी हरकतें थी, वो मतलब कुछ चाके नहीं करना चाहती, अपना होती थी मुझसे, घर के काम करना, ये चीजें, मम्मी घर में नहीं तो मम्मी की बिंदी लगा के घूमना, उनका दुपट्टा हो, तो लुगड़ी होती है हमारे, तो बोलते हैं मारवाड़ी सूट होता है उसको पहन के घूमना, ये सब चीजें, काजल लगा के, तो बहुत पिटाई भी खाई। स्कूल में पढ़ती थी तो स्कूल में भी मुझे डराते थे सब लोग, सत्तुरानी। मेरा वॉकिंग स्टाइल गर्ल्स जैसा था, तो बहुत चीजें मैंने फेस की है।
फिर फाइनली मैं जब टेंथ में आई तो मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मैंने घर पे बात की थी कि मुझे अपना जेंडर चेंज करवाना, और उस टाइम ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती थी कि जेंडर चेंज क्या होता है, सर्जरीज होती भी नहीं है, तो घर वाले बोले ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा मैंने देखा है, मैंने सुना है, मम्मी मुझे करवाना है, तो पापा सबने मना कर दिया था कि हम अलाउ नहीं करेंगे, अगर ये सब चीजें हैं तो आप अपना डिसीजन लो, अगर हमारे हमसे रिश्ता तोड़ दो, सब ऐसा, क्योंकि उनका जायज था, मेरा डिसीजन जायज था। तो मैंने 2007 में अपना घर छोड़ दिया था टेंथ का एग्जाम देके, फिर मैं यहाँ जयपुर शिफ्ट हुई। जयपुर में मैंने काम किया पार्लर में, मैंने काम ढूंढा बहुत, तो मैं एक पार्लर में हेल्पर की तरह काम करी, उस वक्त 2500-3000 रुपये महीने का कमाती थी मैं। और फिर धीरे जर्नी स्टार्ट हो गई होती, यहाँ पे बहुत टॉर्चर्ड लोग पता नहीं क्या क्या बोलते थे पीछे से जब चलते थे बहुत, क्योंकि मेरा उस वक्त हल्का शेव आता था तो मैं मुंह बांध के चलती थी, तो बहुत चीजें ऐसी थी कि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं थी खुद से, पर मेरे माइंड में मोटिव था कि मुझे आज नहीं तो 5 साल बाद अपने आप को इस लाइक खड़ा करना है कि जो मैं चाहती हूँ लोग ये देख के शॉक्ड हो। फिर मैं मुंबई गई, मुंबई जाके मैंने अपना धीरे सब स्टेप बाय स्टेप चीजें देखी पढ़ी, गूगल में देखा, यूट्यूब पे देखा, फिर मैं कॉन्टेक्ट करती गई, फिर जाके फाइनली मैंने दिल्ली में डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर मैं उनके पास गई, बात की, सब चीजें बताई मेरी, मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और 1 साल बाद मैंने अपना सर्जरी करवाया। नहीं, लोग ये कहते हैं कि ईश्वर ने जैसा बनाया है उसको उसी रूप में रहना चाहिए, और ये एक साइकोलॉजिकल एक इशू है, ये कोई हाँ बाहर जी, हाँ जी, का इशू नहीं, अभी भी सोच ऐसी है, क्या कहिएगा? मैं इसी चीज का मैं आंसर देना चाहूंगी कि अगर आप आज ईश्वर ने आपको बनाया है, किसी को पोलियो भी हो जाता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाते हो, आप उस कोशिश करते हो कि सर्जरी करा के अगर ठीक हो जाए, हर एक एक फैमिली सोचती है कि उसका बच्चे को पोलियो भी हो जाता है या किसी बच्चे का बाय बर्थ कान नहीं आता है, आदत थोड़ा सा कान आता है उसका भी, वो सर्जरी करवाते हैं, कई चीज होते हैं, आजकल लोग नोज सही करवाते, तो जब जब वो लोग भी तो सही कराते तो हमारे तो अंदर शूली ऐसा था, जो हमारे जो हमारी आत्मा ही हमें कैद में थी, जिसको हमको निकालना था हमें निकाला, और हमने प्रकृति के साथ क्या किया, जो हमारे जो हमें सही लगा अपने राइट्स के लिए हमने वो करा। लेकिन परिवार के लिए वे फैसला आसान नहीं होगा उसको एक्सेप्ट करना। आज भी क्या उसी रूप में आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या जी ऐसा लगता है कि अभी भी परिवार और समाज है उसका नजरिया कुछ और भी है? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया जब मैंने सर्जरी करवा ली थी, और सर्जरी कराने के बाद मैंने अपना नाम कमाया, मैंने अच्छे लेवल पे काम किया मुंबई में, मैं स्क्रीन पे भी आई, टीवी में मैंने शोज किए, तो मेरे घर वालों को लगा, बाद में रियलाइज हुआ कि हमने इसको रोका है, हमने इसको टोका, इसको हर चीज के लिए मना किया, इसने अगर कुछ तबड़ा स्टेप लिया हमारे अगेंस्ट जाके, इस बंदी ने कुछ किया है, हमारा हमारा नाम रोशन किया, मेरे पापा मम्मी का ये उनका सोचना था, और मेरे भाई लोग से मेरा इतना कनेक्शन नहीं है, बस नॉर्मल कनेक्शन से, मैं जाती हूँ हर राखी पे घर जाती हूँ, हर त्योहार पे जाती हूँ, हर फंक्शन में जाती हूँ। दरअसल मैं सवाल के जरिए ये पूछना चाहता हूं कि सोशल एक्सेप्टेंस का, क्योंकि एक ख्वाहिश परिवार है उसने एक पहल की है, अपने आप की जो अपनी जो आइडेंटिटी है उसके साथ में लड़ाई लड़ी और अपनी असल पहचान को हासिल किया, लेकिन इस देश के अंदर कई ऐसे हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? और खासतौर से जब आपसे मेरी बात हो रही थी तब रोहतक की घटना है वो पूरे देश भर में छा रही है, जिसमें एक युवक ने जिस तरह का उसका ओरिएंटेशन था वो जो चाहता था वो नहीं करवा पाया, वो सर्जरी करवाना चाहता था, अपने पिता से पैसे मांगे, पैसे नहीं मिले और परिवार के अंदर 4 लोगों का उसने मर्डर कर दिया। सर ये तो सुन के मैं भी बहुत बड़ी शॉक हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे, आई एम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर ऑफ राजस्थान, ठीक है, मैंने इतने लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट है, जिन लोगों ने मुझे मुझे देख के इंस्पायर हुए हैं, जो जो मुझे मुझे देखकर आगे बढ़े, जब मेरा आज से 8 साल पहले इंटरव्यूज आया था, आप 2014-15 की बात है, 13 की, तो सब जो मेरी लाइक कम्युनिटीज थी, जो मेरी कम्युनिटी में थे, जो मुझे देख के आगे बढ़े, आज वो सब सेटल्ड है अच्छी जगह, उन्होंने अपने पेरेंट्स को भी समझाया, अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस किया, और सब चीजें उन्होंने हैंडल की जैसे मैंने की, मुझे देख के इंस्पायर हुए मेरी लाइफ को देख के, तो वो लोगों ने किया, सब कुछ किया, बहुत इजी हो जाता है बाद में सर, फैमिली को समझाना आजकल नॉर्मल चीज है, क्योंकि आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, हम लोग टेलीविजन पे भी देखते हैं, मूवीज में भी आजकल सब चीजें आती है इसके बारे में, काफी न्यूज में भी आती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज आजकल पेरेंट्स को समझने में दिक्कत तो है, कई पेरेंट्स नहीं समझ पाते, बट ये कोई रीजन नहीं होता कि पेरेंट्स को मार दो, आपकी लाइफ में आपको राइट से अगर
अगर उनको करवाना था तो अपना घर छोड़ सकते थे, बहुत सारे ऑप्शंस थे। अपना घर, अगर घर वाले नहीं मानते तो आप बाहर चले जाते, आप अपने जाके कहीं अच्छी दूसरी दुनिया बना के वहां पे आप दो पैसा छोड़ के करवा लेते, जैसे मैंने करवाया। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिसने ये हरकत की है मेंटली प्रिपेयर नहीं था, या उसका मेंटली स्टेटस ठीक नहीं था। ख्वाहिश आपसे, आपकी बात मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि सत्यजीत सिंह से ख्वाहिश परिहार, दुनिया ने उसको किस रूप में देखा वो एक अलग बात है, परिवार ने किस रूप में देखा, लेकिन आपने खुद ने जब अपने आप को देखा आईने के अंदर, तब आपको क्या महसूस हुआ जब आप पूरी तरह से एक युवती के रूप में सामने आई, आईने के सामने किस तरह की फीलिंग थी? मैं सर बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश होती हूँ ना जब वो कभी कभी देखती हूँ, आज भी ऐसा नहीं कि उस वक्त, आज भी कभी कभी एकदम रेडी होती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है जब मैं साड़ी सलवार डालती हूँ, मुझे बहुत शौक है, मैं हर चीज पहनती हूँ कपड़े में, कभी भी होता है तो मैं एकदम से मेरी नजर एकदम काज अपने मिरर पे जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं पहले सोचती थी दूसरों को देखी कि खास मैं भी ऐसी होती, मैं भी साड़ी पहनती, लहंगा पहनती, ये पहनती, वो पहनती, वो चीजें करती। फिर जब आज मैं पहनती हूँ तो सोचती हूँ कि मेरे सारे सपने पूरे हुए, जो मैं पहले अंदर रोती थी अपने अंदर कि मैं कैसे, मतलब खास मुझे भगवान ने ऐसा बनाया होता, मैं भी पहनती, मैं छुप छुप के कमरे में जो पहनती थी सबके सामने पहनती हूँ। और आपके एजुकेशन का क्या स्तर रहा और किस रूप में वहां पर आपने समस्या को झेला, कहां तक आपकी पढ़ाई हुई है? जी सर मैं बताऊंगी आपको कि मैं 10th में जब मैं जोधपुर में थी, जब मैं इस टॉर्चर्ड के अंदर थी सारा, जब मेरे दिमाग में फोकस वही था कि मुझे लड़की बनना, लड़की बनना है, और मैं स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान देने दे पा रही थी 7th क्लास के बाद से, तो मैं 7th तक बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, 8th में धीरे धीरे स्लो होती गई, 9th में स्लो गई, 10th में बिल्कुल स्लो गई, तो एक 10th के एग्जाम में मैं फेल हो गई थी, फिर मैंने वापस से रिटर्न दिया 10th का, और वो 10th एग्जाम दे के मैं जयपुर आ गई थी घर छोड़ के, लेटर लिख कर जयपुर में, कोई रास्ते नहीं पता, और मेरे एजुकेशन 10th का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था तो मुझे इजिली कहीं पे जॉब नहीं मिल रही थी, तो एक सैलून में मैंने जॉब किया, फिर स्टेप बाय स्टेप मेरा काम होता गया, लाइक 2500-3000 सैलरी बढ़ी, फिर 5000 बढ़ी, बढ़ी 6000 बढ़ी, ऐसे मेरा होता गया, फिर मैंने 2-3 साल यहाँ निकाले, फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई था, मुंबई शिफ्ट होके मैंने अपना जेंडर चेंज कराने के बाद मैंने एविएशन कोर्स किया एयर होस्टेस का, कैबिन क्रू का, और उसके बाद वहीं पे मैंने अपनी बाकी की जो बारेस्ट ऑफ पढ़ाई थी BBA मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी से किया था वहां पे। तो आप अभी लॉकडाउन और कोरोना की वजह से आप जयपुर में हैं, लेकिन आपके बारे में पढ़ रहा था तो टीवी इंडस्ट्री में काफी आपने काम किया है और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काफी आपके रोल्स हैं वो हुए हैं, तो वो सफर, वो जर्नी कैसे शुरू हुई, क्या उसका भी शौक था आपको? जी हाँ सर मुझे बिल्कुल शौक था, और ये मेरा एक्चुअली मेरा मोटिव था सर कि मुझे जब मैं अपना को चेंज कर लूंगी, मेरा कंप्लीट सर्जरी हो जाएगा, उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जिससे मैं इज्जत बना सकूं, क्योंकि मेरे जेंडर चेंज करने से सॉल्यूशन ही निकल रहा, उसके बाद भी लोग मुझे बहुत कुछ बोलते, वो बोलने को लोग हिजड़ा भी बोलते, छक्के भी बोलते, बहुत सी लैंग्वेज है जो वो यूज कर सकते थे, पर मैंने सोचा कि मैं ऐसा कुछ अच्छा काम करूं जिससे मेरी एक वैल्यू बन जाए, मेरी इमेज बने, ताकि मुझे देख के और जो मेरी कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी हिम्मत बने कि जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते। सत्यजीत से ख्वाहिश परिवार का जो फैसला तो आपने ले लिया, इसके बावजूद भी करियर के कई स्ट्रगल्स हुए होंगे उस जब ट्रांजिशन फेज से, लाइफ के अंदर भी ट्रांजिशन के फेज से आप जूझ रही थी और खुद को आप तैयार भी कर रही थी दुनिया से लड़ने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए जी, स्ट्रगल का आपका टाइम था वो कैसा था उसके बारे में जानना चाहूंगा। स्ट्रगल टाइम बहुत बुरा था मेरे, मैं वो स्ट्रगल का टाइम मैं सपने में भी नहीं सोच सकती दोबारा कि कभी मुझे इस बारे में सोचना पड़े, बहुत गंदा सपना था सर। मुझे कुछ चीजें ऐसी है जो एट प्रेजेंट पे मैं आपको यहाँ पे बता भी नहीं सकती हूँ, बट ऐसा है कि सर मैंने वो दिन भी देखे हैं यहाँ पर आके कि मैंने कुरकुरे का जो पैकेट आता है ना 10 रुपए का वो, और ब्रेड से खाना खाया है सुबह शाम का, कोई टाइम ऐसा था मेरे पास रहने की जगह नहीं थी, मैंने यहाँ पे भी 2-4 फ्रेंड्स बने थे यहाँ में आई, फ्रेंड्स लोगों के साथ रहती थी, कभी उसके घर कभी उसके घर, 5 दिन उसके घर 5 दिन ऐसे, फिर फाइनली मैंने जब मेरा 1 साल कंप्लीट जयपुर में हुआ पूरा, तो मैंने एक रूम लिया था अपने थोड़ा बहुत जो पैसे इकट्ठे करके छोटा सा रूम लिया था, वही रही मैं काफी टाइम एडजस्ट किया सब चीजें, फिर धीरे धीरे सब मैनेज होता गया सर।
और सबसे गंदा चीज ये था सर कि लोगों की सोच और उनका देखने का नजरिया बहुत गंदा था। जब उनको पता था कि मैं उस टाइम पीरियड में मैं एक लड़का हूँ और लड़की जैसी हूँ, चलती हूँ बोलती हूँ, या मैंने अपने हेयर इतने बढ़ा लिए थे उस वक्त, नेल्स बढ़ा लिए थे, तो उस वक्त लगता था सामने वाले को समथिंग वेंट रॉन्ग, तो वो लोग गंदी तरह से फॉलो करते थे, गंदा कमेंट मारना, मेरे बारे में मजाक उड़ाना, तो वो सब चीजें मैं सुनती थी, इग्नोर मारती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं इस लाइफ में। लेकिन अब तो आपने अपना मुकाम हासिल किया है उस रूप में, करियर के अंदर भी और जिंदगी के अंदर भी, लेकिन आज भी एलजीबीटी को लेकर इस देश के अंदर मिथ है वो बहुत प्रबल है, ऐसी समस्याएं हैं उनकी लाइफस्टाइल को लेकर वो बहुत चुनौतियों के से घिरी हुई हैं। तो क्या आपने महसूस किया अपना अपनी जो मुराद है वो पूरी होने के बावजूद भी अभी भी स्ट्रगल है वो क्या चल रहा है, या आपको लगता है कि अब दुनिया की परवाह करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है वो बिल्कुल मेरे जी। हाँ जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी भी लोगों की मेंटेलिटी सही नहीं है। अगर जब तक उनको सामने वाले को नहीं मालूम होता है कि मैं क्या हूँ, जब तक दे आर ओके विद मी वर्क करने में सब चीजों में, और जब मालूम चलता है तो वो लोग का मेंटेलिटी, उनका सोच, उनका तरीका चेंज हो जाता है। आज भी स्ट्रगल करती हूँ सर इन चीजों को, इनमें आज भी मैं लोगों को फेस करती हूँ कई जगह, इंडस्ट्री में भी किया है मैंने सर, नई बात नहीं है, और या इवेंट टाइम में भी किया है। जब तक उनको नहीं पता था मैं इनके इवेंट्स कर रही थी, इनके इवेंट्स चल रहे थे, देन सडनली कोई उनको आके बता देता, ख्वाहिश परियार के बारे में आपको पता है, वो पहले लड़का थी वो लड़की बनी है, उसके बारे में यूट्यूब पे देखो, गूगल पे देखो, तो सामने वाले जो होते हैं उनका मतलब माइंड ऑफ चेंज अचानक हो जाता है। दरअसल आप चाहती तो अपना वो अतीत है वो छुपा कर भी रख सकती थी, आप जोधपुर के अंदर थी, फिर आप जयपुर आ गई, फिर आप दिल्ली भी गई सर्जरी के लिए, फिर बॉम्बे भी गई, तो आप चाहती तो अपना अतीत है उस रूप में, वो कभी सामने उस रूप में आता नहीं आपके परिवार और आपके दोस्तों के अलावा। जी, मुझे आज भी कई लोग बोलते हैं कि तूने अपने बारे में क्यों बताया जब किसी को पता ही नहीं चलता है, तो मैंने कहा मैं मुझे अपने आइडेंटिफिकेशन के साथ जीना है, जैसे मैं हूँ वैसे मुझे लोग एक्सेप्ट करें और ना करें तो उनका सोचे, मैं जैसी हूँ वैसे रहना चाहती हूँ। और आज भी मैंने अपने सारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आज भी लिखा है अपने बारे में कि आई एम ट्रांसजेंडर एंड आई एम प्राउड टू बी आई एम ट्रांसजेंडर, मुझे इस चीज से छुपाने में कोई डर नहीं सर। मुझे बहुत लॉस भी हुआ है अपनी आइडेंटिटी को लेके कई जगह, जहाँ पे मुझे कई जगह मेरे वर्क को भी काफी इफेक्ट पड़े मेरे वर्क पे, मेरे काफी चीजों पे, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता सर, जैसी हूँ मुझे वैसे दुनिया देखे वैसे एक्सेप्ट करें। ख्वाहिश आप एयर होस्टेस भी बनना चाहती थी एक वक्त में, और सर मैंने एक्चुअली जब मैंने जेंडर चेंज करवाया था तो उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ जैसे मुझे मुझे देख के लोग इंस्पायर हो, और मुझे मेरी फैमिली में भी मेरे मम्मी पापा बोले कि इसने जो अपना स्टेप लिया था, जिसने नाम कमाया, तो मेरे पास ऑप्शन थे सर, एक तो ये ऑप्शन था एयर होस्टेस का, और एक ऑप्शन था मेरा इंडस्ट्री में जाने का, और मैंने एक साल का पूरा कोर्स किया, मैं इंटरव्यू भी हो गया था, मेरा गो एयर में सिलेक्शन हो गया था सर, बट 15 डेज में मुझे ज्वाइनिंग करना था गुड़गांव में टीम में ट्रेनिंग में, बट प्रॉब्लम ये थी सर कि 15 डेज के अंदर उनको पासपोर्ट चाहिए था, और मेरा पासपोर्ट बनना इजी नहीं था बिकॉज मेरी बहुत सी चीजें चेंज होने वाली थी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो बहुत लफड़े थे। फिर मुझे वहां से जोधपुर आती और मैंने मतलब एडवोकेट से भी बात की तो वो भी बताया बहुत टाइम लगेगा, तो एक्चुअली बहुत टाइम लगा सर, मेरा पासपोर्ट बनने में मुझे 2-2.5 साल लग गया था, तो वो 15 डेज का टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, मेरे पास प्रूफ नहीं थे उनके पास पासपोर्ट देने के लिए फटाफट बनाने के लिए, तो वो मैं ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर उन्होंने मुझे ग्राउंड स्टाफ में डाला था, तो ग्राउंड स्टाफ में सर मेरे को जितना वो दे रहे थे सैलरी और नाइट शिफ्ट, तो वो मुझे नहीं जाना था ग्राउंड शिफ्ट में, तो फिर वो मैं डिलाइन कर दिया। मैं इंडस्ट्री में घुसी, ऑडिशन दिए मैंने, और पहला मैंने एक शो किया था ये दिल सुन रहा है सोनी पल पे, जिसमें मेरा नेगेटिव रोल था, तीन एपिसोड्स किए थे उसके। लेकिन आपने कहा 10th तक तो आप है वो सत्यजीत के रूप में थी, और उसके बाद हाँ जी सारे 10th तक सतीत के नाम के थे, और वो डॉक्यूमेंट हाँ जी तो वही प्रॉब्लम थी कि मैं आगे जो अगर मैं ट्रेनिंग के लिए जाती तो पहले पासपोर्ट देना होता है उनको 15 दिन के अंदर, और वो 15 दिन के अंदर मेरा पासपोर्ट बनने का एक सवाल ही नहीं था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में सब कुछ नाम वगैरह सब चीजें होती है, बहुत सी चीजें होती है, फॉर्मेलिटीज होती है। अभी भी ये स्ट्रगल तो अभी भी होगा जहाँ कहीं भी आपको जॉब नहीं
अब तो मैंने कंप्लीट सब चेंज करवा लिया, मेरा पासपोर्ट भी बन चुका है, मेरा मेरा जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब ख्वाहिश परिया के नाम से है। इतना दुनिया के सामने इतनी बड़ी इतना बड़ा स्टेप उठाना और फिर उस दुनिया के अंदर सरवाइव करना, कामयाबी की उस रास्ते पर चल पड़ना, ऐसे में ये अगर हम कहें कि इससे आगे की ख्वाहिश क्या है ख्वाहिश परिवार की? सर आगे की ख्वाहिश, देखो मेरा तो ख्वाहिश का पहला अक्सर ही अधूरा है सर, तो ख्वाहिश कभी पूरी जिंदगी में पूरी कंप्लीट नहीं होगी, बट ये है कि पहला पहली ख्वाहिश तो अभी एट प्रेजेंट जो मेरी चल रही है वो मुझे अपना खुद का घर लेना है सर, है ना। और दूसरी ख्वाहिश ये है कि वापस मुंबई शिफ्ट होके और अच्छे लेवल पे काम करना है सर, और बिग बॉस मेरा फेवरेट एक सीरीज है जिसको मैं कभी छोड़ती नहीं, हमेशा देखती रहती हूँ, पुराने भी सारे सीजन देखती रहती हूँ, तो मेरा भी एक एक ड्रीम है कि आज कभी ना कभी मैं बिग बॉस में जाऊँ। और बाकी बहुत सारे सब बहुत सारे करियर्स में बहुत से सपने हैं। बहुत बढ़िया। और एलजीबीटी को लेकर तमाम जो अभी आपके व्यूअर जो देख रहे हैं पूरे देश से, उनको लेकर उनको आप क्या कहना चाहेंगी, खास तौर से जो हम इस इंटरव्यू को कंक्लूड करेंगे उस कंक्लूडिंग नोट में आपका जो रिमार्क है बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूंगी कि आज की तारीख में और आज की दुनिया में आज बहुत चीजें फॉरवर्ड हो चुकी, बहुत आगे बढ़ चुका है इंडिया भी, और बहुत कॉमन है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपनी आइडेंटिटी छुपा के अपना आपको अंदर जेल की तरह पैक करो, या जैसे आपने मुझे बताया वो केस हुआ जिसने उसके पापा ने पैसे नहीं दिए तो उसको उन्होंने गोली से मार दिया, तो ऐसा स्टेप कभी मत लीजिए। हर एक माँ बाप नहीं चाहते इतना इजी कि हमारा बच्चा इस मोड जोन में जाए, कोई भी माँ बाप हो, बट उनको समझाओ बैठा के, उनको चीजें दिखाओ, आजकल गूगल यूट्यूब पर सब चीजें हैं, डॉक्टर से मिलवा दो, डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर अपना उनसे काउंसलिंग करते हैं जब सब चीज सामने मतलब समझ जाते हैं, पर ऐसा स्टेप मत लो और अपने मन, मन अपनी मन की इच्छा मत मारो सब, तुम्हें राइट से बस आगे बढ़ो, मुकाम हासिल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश आपको अपनी टीवी भारत से बात की और खासतौर से उस मोड पे बात की जब इस देश के अंदर एलजीबीटी को लेकर कानून तो है लेकिन समाज है उसका नजरिया कुछ और है, उसका नतीजा है वो क्राइम की शक्ल में सामने आ जाता है, और ऐसे मौके पर ऐसे वक्त पर ख्वाहिश परिवार अगर सामने आती है तो अपने आप में एक बड़ा मैसेज है समाज के लिए भी, उन तमाम जो लोग जो अपनी सोच है वो नए दौर के हिसाब से बदलने को तैयार नहीं, या लोगों के लिए भी जो खुद को बदलना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया है उसके बारे में जानते नहीं और आवेश आकर अपराध कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपने एक बहुत अच्छी लाइन की कि ख्वाहिश शब्द है उसके अंदर एक शब्द है, वो शुरुआत का शब्द भी आधा है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपकी कोई ख्वाहिश है वो अधूरी रहे, आपकी ख्वाहिश सारी पूरी हो, जो आपने सोचा है जो मुकाम हासिल करना चाहती है वो जरूर हासिल करें। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। थैंक यू।